अब बात करें कवर्धा की तो यहां लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। पंडरिया का हरिनाला भी उफान पर है। बस चालक ने जान जोखिम में डालकर यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। यात्रियों की जान के साथ यहां पर खिलवाड़ किया गया बस चालक के द्वारा। चालक ने उफनते नाले में बस दौड़ा दिया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, जहां कवर्धा में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। हरिनाला की ये तस्वीरें हैं, आपको बता दें, जहां ड्राइवर ने बिना यात्रियों की जान की परवाह किए नाले में बस डाल दी। आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी यहाँ पर, बस नाले में बह भी सकती थी, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है। आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, जहाँ पर बस चालक ने बिना यात्रियों के जान की परवाह किए नाले में बस डाल दी। अनुश्रणी 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंडरिया के हरिनाला की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, जहां यात्रियों की बिना परवाह किए चालक ने बस नाले में डाल दी। कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी यहां पर, नदी और नाले में बस जाकर बह सकती थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि यह हरिनाला पानी से लगातार बारिश की वजह से उफान पर है और बस चालक ने यहां पर बस डाल दिया, यात्री से भरी ये बस थी, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए लगातार बारिश की वजह से तकरीबन दो दिनों से पंडरिया का जो हरिनाला है, मेन मार्ग है वो पंडरिया कवर्धा के लिए, उसमें आवागमन बहुत ज्यादा होता है, मगर नाले में पानी बाढ़ आने की वजह से ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके चलते आवागमन बाधित है। लेकिन इसके बावजूद आज सुबह की ये घटना है, जहां पर यात्री बस द्वारा थोड़ा सा पानी कम होने के बाद वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, जबकि खतरा इतना ज्यादा है। जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है कि नाले और जो भी नदी है जिसमें बाढ़ आई हुई है, उस वहां से थोड़ा दूर रहे लोग और उसमें ध्यान नहीं रहे। इसके बावजूद फिर बस चालक द्वारा किस तरह से लापरवाही की जा रही है वो देखते हुए भी वहां पर जो अच्छा एक चीज और है, वहां पर एक भी जवान जो है तैनात नहीं थे, सुरक्षाकर्मी, ताकि जो लोग हैं वो किसी भी तरह की लापरवाही ना करें इस तरह के। जी संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।